हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विदाउट ओनियन गार्लिक लंच प्लेट बनाएंगे। पहले हम पुलाव बना लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस को हम यहाँ पे भिगो के रखा था। एक पैन गरम कर लेंगे, उस पर घी ऐड करेंगे। कुछ सा जीरा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला लिया है, थोड़ा सा, जैसे बे लीफ, कुछ लौंग और ये स्टार और इलायची, बड़ी वाली इलायची, कुछ कैशर नट्स एंड रेजिन्स को ऐड करेंगे। उसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हम जो राइस को भिगो के रखे थे, अभी उसको ऐड कर लेंगे। उस राइस का पानी ड्रेन कर लेंगे एंड उसको ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 कप राइस लिया है, तो यहाँ पे 4 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना शुगर चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्पून ऐड किया है। अभी इसको मिक्स कर लेंगे एंड 10 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे। बीच बीच में बस इसको चलाते रहना है। अभी देखिए, ये हमारा अभी रेडी हो गया। कितना खिला खिला बना है, पूरा परफेक्ट बना है। अभी इसको निकाल लेंगे। अभी हमारा ये प्लेन पुलाव रेडी हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे हम ब्रिंजल फ्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्मेरिक पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट एंड राइस फ्लोर को ऐड करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड उसको ब्रिंजल के साथ कोटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह अच्छे से उसको कोट करके 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हमारा यहाँ पे तवा भी गर्म हो चुका है, उस पर ऑयल भी ऐड कर लेंगे एंड जो हम कोटेड करके जो ब्रिंजल रखे थे, अभी उसको ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। इसको हमेशा गर्म गर्म ही आप सर्व कीजिएगा, क्योंकि ये गर्म जब रहता है तो बहुत क्रिस्पी रहता है, खाने में ज़बरदस्त लगता है ये। अभी ये सब को निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी हमारा ये रेडी हो गया है, ब्रिंजल तवा फ्राई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन गरम करेंगे, उस पर कुछ ऑयल ऐड करेंगे, एक ड्राई चिली एंड क्यूमिन ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ बॉयल पोटैटो रखा था, उसको कट करके उसको ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेंगे। कुछ टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट ऐड करेंगे एंड ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे जो आलू लिया है वो हाफ बॉयल है, उसको और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पकाएंगे और कुछ कस्तूरी मेथी ऐड कर लेंगे एंड इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे।
इसको बस बीच बीच में इसका कवर हटा के इसको चलाते रहना है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा पक गया है, और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अभी इसको निकाल लेंगे, रेडी हो गया है। अभी हमारा ये जीरा मेथी आलू भी रेडी हो गया है। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस। एक पैन गरम करेंगे ऑयल के साथ, एक ड्राई चिली एंड क्यूमिन ऐड करेंगे। कुछ चॉप टमाटो एंड ग्रीन चिली ऐड करेंगे एंड इसको अच्छे से थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए कवर करके पका लेंगे थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। अभी ये हमारा सॉफ्ट हो गया टमाटो। अभी हम ड्राई मसाला ऐड करेंगे, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर एंड सॉल्ट। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे कुछ तूर दाल को बॉईल करके रखा था, उसमें बस सॉल्ट एंड टर्मेरिक पाउडर ऐड करके उसको बॉईल किया था, उसको भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा हम कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे एंड इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे कवर करके। अभी हमारा ये दाल पूरा रेडी हो गया है। अभी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी हमारा ये तूर दाल बिल्कुल रेडी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। पैन गरम करेंगे ऑयल के साथ, कुछ मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे एंड चॉप टमाटो ऐड करेंगे। तो अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे टमाटो को अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए। यह भी हमारा टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अभी हम शुगर ऐड करेंगे, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको चटनी में कितना मीठा चाहिए। कुछ कैश्यू नट एंड रेजिन्स ऐड करेंगे एंड उसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। अभी हमारा ये टमाटो चटनी रेडी हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अभी हम भेजीज फ्राई बनाएंगे, तो जितना हम सारा भेजीज लिए थे उसको एक बाउल में उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुछ टर्मेरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, कुछ चाट मसाला एंड गरम मसाला, कुछ सेसमी सीड एंड कुछ राइस फ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हर तरफ से कोटिंग हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ साबुदाना पापड़ को भी फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम अभी उस भेजीज को, मैरिनेटेड भेजीज को फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा ये भेजी फिंगर फ्राई रेडी हो गया है। अभी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट पर। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे हमने कुछ फ्रेश सावर कर लिया है, मैंगो जिंजर एंड ग्रीन चिली एंड मिंट लीव्स। ये सबको ग्राइंड कर लेंगे एंड उसका मिक्सचर हम सावर कर्ड में ऐड करेंगे एंड उसमें कुछ ब्लैक सॉल्ट। अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे एंड उसको गार्निश करेंगे हम मिंट लीव्स के साथ एंड कुछ प्रोमिग्रेनेट के साथ। अभी हमारा ये मसाला छाछ रेडी हो गया है। चलिए चलते हैं अभी प्लेटिंग के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।